दोस्तों आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्पोर्ट चैनल पर। आज मैं आपके इस वीडियो में बात करूंगा यूपी उधर वर्सेस गुजरात फॉर्चून जायंट के बीच मैच होगा, उसकी टीम दूंगा आज के फर्स्ट कबड्डी मैच की टीम दूंगा दोस्तों। ये स्मॉल लीग की टीम होगी। हाँ, कुछ ऑप्शन बताऊँगा, आप ग्रैंड लीग में लगा सकते हैं। आप कबड्डी में ग्रैंड लीग विन करना आसान होता है क्योंकि प्लेयर वही दो चार खेलेंगे, वही खेल रोटेट होते रहते हैं। अगर सिर्फ आपका कैप्टन वाइस मैन चल गया तो आप आराम से विन कर सकते हैं ग्रैंड लीग। तो अब सेम टीम रखिएगा, सिर्फ कैप्टन और वाइस मैन रोटेट करते रहेगा, आप गारंटी दे बोलते हैं आप आराम से विन कर लेंगे। हाँ, आप अगर ड्रीम में लॉन्च करते हैं प्ले स्पॉट खेल सकते हैं। प्ले स्पॉट एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, उसका लिंक और रेफर कोड दिया हुआ है। आप वहाँ से लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और रेफर कोड यूज़ करके बोनस ले लें दोस्तों। उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले जिन भाई ने आपका मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। बेल आइकन बटन प्रेस करना आपको ये फायदा होगा, कभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप जैसे वीडियो देखकर टीम बना सकते हैं। आप वीडियो पसंद है लाइक कर दें, लाइक करने से मिलता है मोटिवेशन दोस्तों, कुछ मिलता नहीं सिर्फ मोटिवेशन कि लोगों को पसंद आ रहा है इसलिए वीडियो बनाने का मन भी करता है। आप नहीं पसंद डिसलाइक मार सकते हैं और डिसलाइक जो भी कर रहे हैं प्लीज़ बता दें क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या इंप्रूव करें वीडियो में, क्या डिसलाइक ना है आपका। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैं स्पोर्ट्स के नाम से ट्रेन पर लेने फाइनली आपको यही मिलेगी लाइनअप आने के बाद, आप ज्वाइन कर लें दोस्तों। आप देख सकते सारी विनिंग यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते कबड्डी विनिंग देख सकते हैं, ये सब कबड्डी कल के विनिंग आप खुद चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए दोस्तों, आप खुद जो चेक कर लीजिए सारी विनिंग। आप सारी कबड्डी देखिए दिल्ली वर्सेज तमिल तला के बीच कल मैच था, सबकी विनिंग आप खुद चेक कर लीजिए, विनिंग देख लीजिए दोस्तों, विनिंग 1000 देख सकते हैं सारी विनिंग खुद चेक कर लीजिए। ये प्ले स्पॉट की विनिंग आप देख सकते हैं, प्ले स्पॉट की विनिंग कितनी अच्छी विनिंग है क्योंकि लो कंपटीशन इसमें आप बड़े आराम से विनिंग हो जाती है, देख लीजिए दोस्तों। तो आप ज्वाइन करने इसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें, फाइनल लिंक आपको वहीं मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं टीम क्या हो सकती है मेरी। तो ये मैंने डिफेंडर पिक किया सुनील कुमार को और यहाँ से पिक किया हूँ मलिक एंड आशीष सिंह को। आशीष सिंह को इसी प्ले के पिक किया हो, ऐसे तो स्टार्टिंग में तो नहीं खेलेंगे लेकिन एज ए सर्विट खेल सकते हैं, हल्के रिस्की भी हो सकते हैं। मैं आपको सेफ टीम बना कर दूंगा। ऑप्शन बात ऑप्शन में आपको वेंसवाल काफ़ी अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, लेकिन क्रेडिट का भी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम आ रही है, आप इनको पिक करना अच्छा कर सकते हैं। लेकिन सुनील कुमार पिछला मैच काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था इसलिए उनके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल टीम बना रहा फिलहाल अभी। आप यहाँ से नीतीश कुमार को पिक कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। ऋतुराज कोरा भी एज ए सर्विट खेल सकते हैं, एज ए स्टार्टिंग समय तो मुझे तो नहीं लगता लेकिन एज ए सर्विट खेल सकते हैं। फिर यहाँ से स्वयं मलिक बोल रहे हैं, मलिक जी सुमित मलिक ये है, इनको पिक कर, इनका पिछला मैच काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, इनको पिक करना दोस्तों। और आप एक और पिक करना चाहिए तो क्रेड मैच करने के लिए अंकित को पिक कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग समय खेल सकते हैं। आप इनको आशीष सिंह ड्रॉप कर अंकित को पिक कर सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़े इनसे बेटर रहेंगे, आशीष सिंह से बेटर रहेंगे थोड़े बोल रहा हूँ दोस्तों। अब बात करें ऑलराउंडर में यहाँ से रोहित गुलिया को पिक किया और यहाँ से सचिन कुमार काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर थे दोस्तों, लेकिन पिछला मैच काफ़ी ख़राब हो गया इनका, माइनस पॉइंट चला गया। और यहाँ से मोहसिन भी इनको पिक कर अच्छे कर सकते हैं और एक और प्लेयर है नरेंद्र, इनको पिक कर सकते हैं अपनी और टीम में। फिर बात करें रेडर में यहाँ से मनु गोयत को पिक किया, सचिन तनवार को पिक किया, ईशान देवडी का जो पिछले मैच में फ्लॉप हो गए थे लेकिन सब पिछले मैच खेले नहीं थे दोस्तों, ईशान देवड़ी का पिछले मैच खेले नहीं थे, अगर खेलते तो इनको पिक करना क्योंकि पिछला सीजन कहीं का काफ़ी अच्छा था दोस्तों, आप इनको पिक करना चाहे कर सकते हैं। फिलहाल मैं फिलहाल जा रहा हूँ, और ड्रॉप होते तो आप उनके बताओ जी बी मोरे जो पिछला मैच में गुजरात की ओर से खेल रहे थे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, आप इनको इनके साथ जाना जा सकते हैं। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनली आपको टेलीग्राम पर मिलेगी लाइनअप आने के बाद, आप ये टीम डायरेक्ट मत लगा देना। और एक बात बोलते हैं, यहाँ मैं कैप्टन तनवार को बनाऊंगा, वाइस कैप्टन मोनू गैद को बनाऊँ, आप एक्सचेंज करके कैप्टन वाइस कैप्टन छः टीम बना सकते हैं, ग्रैंड लीग में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ कभी सुनील कुमार को बनाइएगा, कभी मलिक को बनाइएगा, कभी रोहित गुलिया को बनाइएगा, जैसे और किसी प्लेयर को पिक किए, जी वी मोरे को पिक किए तो अभी इनको बना देना, श्रीकांत यादव भी खेलेंगे इनको बना सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, जो कैसा परफॉर्म अगर मेन रेडर काम नहीं कर रहे तो जो और जो सेकेंड नंबर रेडर होता है वो सब अच्छे खेल लेते हैं, लक अच्छा रहता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। फिलहाल ये टीम मेरी रहेगी, अभी फिलहाल फाइनल टीम नहीं है। चलिए बात करते हैं प्ले शूटिंग के बारे में।
तो दोस्तों ये प्ले स्टोर एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, यहाँ आपको 100% बोनस यूजुअल करने मिलता है, वो भी सारे लीग, मतलब इवन स्मॉल लीग जो होती है उसमें भी 100% बोनस। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं जो 100% बोनस स्मॉल लीग में भी देता है, आपको इसी भी नहीं शेयर कर चुका हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों 5% कैशबैक ऑन पोर्ट ज्वाइनिंग, कोई भी आप ज्वाइन कीजिएगा 5% कैसे पैसा मिल जाएगा आपको, और जो भी बोनस मिलेगा आपको 100% यूजेबल है दोस्तों, ड्रीम जैसा नहीं वो 10% यूज़ करने देता है। और देख लीजिए 100% कैशबैक ऑन फर्स्ट डिपोजिट फॉर न्यू यूजर, अगर आप न्यू यूजर होंगे तो आपको जितना डिपॉजिट कीजिए फर्स्ट टाइम आपको 100% मिल जाएगा, मतलब आप 100 करते 200 मिल जाएगा, 200 करते 400 मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा दोस्तों। मैं रेफरल कोड जरूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि बोनस लेने के लिए रेफरल कोड दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दिया हुआ है, रेफरल कोड भी दिया हुआ मेरा, रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 100 रुपीज़ तक। चलिए टीम क्या होता देख लेते हैं। पेटीएम मात 5 सेकंड में विड्रो आया था, मात 5 सेकंड के अंदर में पेटीएम विड्रो आया था, मात 5। अब बैंक अकाउंट में भी विड्रो का ऑप्शन है, यहाँ पैन कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है पेटीएम विड्रो के लिए, लेकिन बैंक अकाउंट विड्रो चाहते हैं उसके लिए पैन कार्ड वेरीफाई कराना होता है। तो दोस्तों इस प्ले स्टोर में 9 प्लेयर पिक किया था, 9 प्लेयर, 2 एक्स्ट्रा प्लेयर वो पिक किया था, मतलब जो ऐसे ऐसे प्लेयर जो आपको कम पॉइंट दें क्योंकि उनको 0.5 पॉइंट मिलता है, मतलब जितने पॉइंट वो लेंगे उनके आधा पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे 2 प्लेयर पिक किया था, कमज़ोर पॉइंट वाले प्लेयर को पिक किया था, कमज़ोर प्लेयर पिक किया जाता है दोस्तों, 2 प्लेयर एक्स्ट्रा, बाकी 7 प्लेयर जो आप मेन प्लेयर पिक कर सकते हैं। यहाँ से मैंने डिफेंडर में नीतीश कुमार भैंसवाल और सुनील कुमार को पिक किया हूँ। बात करें ऑलराउंडर में, ऑलराउंडर में नरेंद्र को पिक किया, रोहित गुले को पिक किया, सचिन कुमार को पिक किया। अब यहाँ से विनोद कुमार को पिक कर सकते हैं, मोहसिन को पिक कर सकते हैं, और ऑप्शन में आप पिक करना चाहे कर सकते हैं। फिर मैं सचिन कुमार से जा रहा हूँ। बात करें रेडर में मैंने जो हो सकता ले लिया, यहाँ से ईशान देवड़ीकर नहीं लिया, अगर खेलेंगे ले लूँगा लाइनअप आने के बाद, खेलेंगे तो ले लूँगा, इनको ले लूँगा मैं। बाकी यहाँ सचिन को पिक किया हूँ, जीवी मोरे और यहाँ से मोनू गियात को पिक किया दोस्तों। ऑप्शन में शिकांत यादव है, सुमित है, इनको पिक करना से कर सकते हैं। तो ये मेरी टीम रहेगी प्ले स्पॉट की, और जो फाइनल नहीं, फाइनल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर। कैप्टन बात, कैप्टन यहाँ से मैं बनाऊँगा सचिन तनवार, वाइस कैप्टन पता ही हो कैप्टन मतलब दोगुने पॉइंट, और वाइस कैप्टन बनाऊँगा यहाँ कहाँ गया मोनू गियात, वाइस कैप्टन मतलब 1.5 गुने पॉइंट, और 2 प्लेयर पिक किया था जेट फैक्टर पॉइंट वाले, जिसमें आपको वैसे प्लेयर पिक करना है जिसमें आपको कम पॉइंट दे आपको, मतलब ज़्यादा पॉइंट नुकसान ना हो, क्योंकि आप कोई प्लेयर पिक किए जैसे सचिन को पिक किए और मैं अगर 10 पॉइंट लाते हैं 10 पॉइंट तो इनके 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और मतलब उनको आधा हो जाए 5 पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। तो वैसे कम पॉइंट वाला चूज कीजिए जिसमें ज़्यादा नुकसान ना आपको। तो यहाँ से बात करो आप नरेंद्र को पिक कर सकते हैं, और यहाँ से आप पिक कर सकते हैं कहाँगे सचिन कुमार को पिक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने इनके साथ जा सकते हैं, ये मैंने सेव कर ली, प्रीव्यू दिखा देता हूँ। हाँ दोस्तों आप स्पेशल पोर्ट ना खेलें, पब्लिक पोर्ट खेलें, क्योंकि इसमें थोड़ी विनिंग आसान हो जाती है क्योंकि इसमें लो कंपटीशन है। आप क्या कौन कौन मेंबर खेल सकते हैं कबड्डी में, क्रिकेट में 8 मेंबर वाली, इसमें सॉरी 8 विनर वो खेल सकते हैं, और इसमें 5 विनर हैं वो खेल सकते हैं, और इसमें हेड टू हेड वाली इसमें 1 विनर होते हैं, एक और 3 मेंबर वाली इसमें 1 विनर वो खेल सकते हैं, आराम से विनिंग हो जाती है गारंटी के साथ। ये फिलहाल प्रीव्यू है दोस्तों टीम का, लेकिन फाइनल टीम नहीं है, कॉपी मत कर लेना, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। वीडियो पसंद लाइक करना, नहीं पसंद डिसलाइक मार दे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप विनिंग।